नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर से देश को बचना चाहिए। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते हैं। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। देश में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। आज हमने अगर इन बच्चों का भविष्य ठीक किया है तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने आखिर अपने संबोधन में क्या कहा। हम लोग देश की नींव रख रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए, दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रेवड़ियां बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।